चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी के चलते स्टार प्रचारकों में पंजाबी गायक हंस राज भी अपनी सुरीली आवाज से लोगों की बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हंस राज अपने गानों में कांग्रेस सरकार को कोसने के साथ साथ वीरभद्र सिंह के भ्रष्टाचार के कारनामों को गानों के जरिए जनता के सामने रख रहे हैं। हमीरपुर पहुंचे गायक हंस राज ने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में नुक्कड़ सभाएं करके गीतों के माध्यम से बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया। हंस राज का कहना है कि बीजेपी को वोट देते हैं तो प्रदेश में खुशहाली आएगी और हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ हर किसी को मिल रहा है और अब हिमाचल में लोगों को कमल खिलाना चाहिए। आप बीजेपी को जिताते हो, आपको पता है परखे हुए को क्या परखना। जब धूमल साहब की सरकार थी, प्रोफेसर पी के धूमल साहब की, तो आपने देखा होगा ये खूबसूरत सड़कें वाजपेयी साहब ने जो स्कीम निकाली थी उसकी वजह से बनी, एयरपोर्ट बने, क्रिकेट स्टेडियम बने, अनुराग साहब बजाते खुद बीसीसीआई के लिए। अच्छा, दोनों बाप बेटे ऐसे हैं, तीन दिन में बेटे के साथ रहा अनुराग ठाकुर जी के साथ, आज धूमल जी के साथ। मैं हर स्टेज पे यही कहा कि यार सीएम का बेटा, हमारे तो काउंसलर का बेटा पंजाब में हो ना, वो मोहल्ले को वक्त पाई रखता है। ये यार कितने बिनमुल लोग हैं हिमाचल के। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे बड़े मियां सो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। अब मैं उस कुर्सी पे आ गया हूं जो कुर्सी इस मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी है, बड़ा रुतबा है। अब मुझे इस बात की इजाजत दो कि मैं वैसा प्रधानमंत्री ना हूं कि आया और गया, मैं गुंगा और बहरा बन के प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता। कि कारूंग की तरह गंज जोड़ना शुरू कर दे अरबों खरबों रुपया, जैसे इन लोगों ने स्विस बैंकों में इकट्ठे कर लिए। और ये जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, ये जो सिल्ली सिल्ली आंदी है हवा, वीर भद्र रोंदा होगा जदों जदों अग्निहोत्री जी फते गए पा, ये बच्चों को हिसाता होवेगा, लड्डू भी खिलाता होवेगा। भैया बहनों प्यारे बच्चों, ये गलती ना करना जो 5 साल पहले की थी। अब एक शब्द लो, शब्द ये है कि ये संदेश है हम हिमाचल वासियों का पूरी दुनिया के नाम, ये संदेश है हम हिमाचल वासियों का पूरी दुनिया के नाम। नो ड्रग्स, नो ड्रग्स, नो वार, नो ड्रग्स, नो ड्रग्स, नो वार। हम जंग नहीं चाहते, हम पड़ोसी मुल्कों को भी कहते हम जंग नहीं चाहते। मोदी साहब तो कहते हैं हम गरीबी के साथ आओ ना लड़े डल के, बंदे के पुत्र बन के रहोगे तो हम जंग नहीं चाहते, नहीं बनोगे तो फिर अगली सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार रहो। ये 56 इंच की छाती वाला है।